नमस्कार फ्रेंड्स, आरपी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर एक आसान सा सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन। उसके लिए मैटर मैंने पहले से टाइप कर लिया है और एक इमेज भी डाउनलोड कर लिए हैं फ्री पिक से जाकर, बिल्कुल फ्री के अंदर। तो इन सभी को मिलाकर एक आसान सा सोशल मीडिया एड डिजाइन कम्प्लीट तैयार करेंगे। डिजाइन कम्प्लीट होने के बाद इसके CDR फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बिल्कुल फ्री के अंदर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ इस चैनल पर 500 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे 500 वीडियो से अधिक है इस चैनल पर, लेकिन जो कोरल ड्रा का वीडियो है वो 500 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको पेज से बाहर कर लेते हैं, उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस डिजाइन को हम थंबनेल साइज में डिजाइन करने वाले हैं। तो जो यूट्यूब थंबनेल की साइज है वो 1280 पिक्सल इंटू 720 पिक्सल है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 1280 px इंटू 720 px। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको थंबनेल साइज देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस रेक्टेंगल को कॉर्नर से बढ़ा देते हैं तो बाद में सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं कॉर्नर से इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। उसके बाद कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में चला जाता है। अब इसमें हम सेट कर लेते हैं इन सभी मैटर को। तो पहले हम इस इमेज को यहाँ पर सेट कर देते हैं बिल्कुल फुल रेक्टेंगल में। तो शिफ्ट की प्रेस करके मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, लगभग इतना रखते हैं, बिल्कुल फुल में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ 5 जून। पहले इसको आप अनग्रुप करें, फिर 5 जून को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। 5 से इंटर प्रेस करेंगे, इसकी साइज थोड़ी सी छोटी रखेंगे, 5 की साइज में बढ़ा देता हूँ। और टूल्स में जाएं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं 3-point रेक्टेंगल। इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद इसके कॉर्नर को राउंड कर देंगे शेप टूल का इस्तेमाल करके, और फिर इसी रेक्टेंगल में हम इसको सेट कर लेते हैं। इसकी साइज थोड़ी सी और छोटी करेंगे। इसका कलर मैं कर देता हूँ, ये जो बाल का कलर है यही सेम कलर्स में हम फिल कर देते हैं। इसके आउटलाइन को नन करेंगे, इसी का मैं एक डुप्लीकेट करता हूँ, इसकी साइज छोटी कर लेंगे। और फिर इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ लाइट केसरिया, इसी का एक डुप्लीकेट और करेंगे। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ कर लेते हैं पेज अप, और इसका कलर कर देते हैं व्हाइट। ओके, फिर इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं, और इसी रेक्टेंगल में हम इसको कर लेते हैं पावर क्लिक। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिक इनसाइड। पावर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको डिजाइन मिल जाता है। उसके बाद चाहे तो आप इसमें बैकग्राउंड कलर भी फिल कर दें। तो ये जो लाइट कलर है इसी को मैं इसमें फिल कर देता हूँ। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर फंक्शन से ड्रैग एंड ड्रॉ करके इसमें छोड़ देते हैं, कलर कॉपी हो जाता है। अब इस रेक्टेंगल को मैं कर देता हूँ शिफ्ट के साथ पेज डाउन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको कलर मिल जाता है। फिर इस लाइन को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इसकी साइज और छोटी रखेंगे। इसमें मैं फिल कर लेता हूँ डार्क ग्रीन से रिलेटेड कलर, यानी इसी कलर को मैं इसमें फिल कर लेता हूँ। उसके बाद इस लाइन को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इसको 2 लाइन में सेट कर लेते हैं। ये जो विश्व है यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ करेंगे ब्रेक अपार्ट। इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, विश्व का सेम रहने देते हैं। पर्यावरण दिवस इसका फॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बोल्ड ही रखेंगे। मैंने इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया है, अब इसकी साइज मैं और बढ़ा देता हूँ। उसके बाद इसको हल्का सा कर्व भी कर देंगे टॉप साइड में। तो उसके लिए क्या करें, टूल्स में जाएं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एनवलप टूल, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सिंगल आर्क मोड, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इस पॉइंट्स को अंदर की साइड नहीं बॉटम साइड में लाएंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको कर्व देखने को मिल जाता है। अब मैं इसमें फिल कर लेता हूँ रेड कलर, और थोड़ा सा इसको और भी डार्क कर देते हैं। तो कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, यहाँ पर मैं मिक्स कर देता हूँ ब्लैक 30%। ओके, और ये जो विश्व है इसका कलर मैं कर देता हूँ ऑरेंज, और इसके दोनों साइड से हम लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। अब इसी के बॉटम साइड में सेट कर लेते हैं कि हार्दिक शुभकामनाएं, इसका कलर मैं फिल कर देता हूँ, ये जो बाल का कलर है ये डार्क कलर में इसमें फिल कर देता हूँ।
साइज थोड़ी सी और छोटी ही रखेंगे और इसके बॉटम साइड से चाहे तो भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आवश्यकता पड़ी तो अभी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इन सभी बचे हुए मैटर को यहाँ सेट करेंगे, इसका कलर भी यही सेम कर देते हैं। साइज मैं और भी छोटी कर लेता हूँ, फिर इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे और सेंटर से अलाइनमेंट कर लेते हैं। अलाइनमेंट करने के बाद हमारे पास एक लाइन और है, जैसे कि आप किसी के तरफ से अगर शुभकामना संदेश बना रहे हैं तो उसको भी सेट कर लें। तो मैं इस अपने चैनल का नेम सेट कर देता हूं यहां पर, इसकी साइज और छोटी कर लेंगे और ये जो डिटेल्स है इसकी साइज भी छोटी करके यहां पर हम सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो अपना डिटेल्स था उसको एक लाइन में सेट करके और यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लिया है। अब इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं, इसी रेक्टेंगल में कर देंगे पावर क्लिप। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा सोशल मीडिया डिजाइन कंप्लीट तैयार हो जाता है। ये तो मैंने लाइट कलर में डिजाइन बनाया है, एक मैं इसी का डुप्लीकेट करता हूँ और इसमें डार्क कलर फिल करके डिजाइन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इस डिजाइन को दो कलर में सेट कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।